हेलो सिंगापुर होटल, 11वीं मंजिल पर से लिया गया दृश्य। काफी अच्छी होटल थी, 11 मंजिल पर जबरदस्त दृश्य। आज हम सिंगापुर में, 5वां दिन है ये, आज हम जाएंगे यूनिवर्सल स्टूडियो। सुबह 10 बजे निकलना है हमको यहाँ से, और होटल में तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो में जाने के लिए, जो सिंगापुर की बेस्ट प्लेसेस में से आता है, जिसकी टिकट भी लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये है। एंटरटेनमेंट पार्क है बड़ा, आज वहाँ जाने का है। होटल में तैयारी हो रही है, ये होटल की विंडो से लिया गया दृश्य है। पीछे केनाल जा रही है, पानी बह रहा है काफ़ी ऊंचाई पर, और होटल से निकल कर अब आ चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियो, जो सेंटोसा आइलैंड का ही एक हिस्सा है। काफ़ी बड़े ज़्यादा एकड़ों में फैला हुआ ये एंटरटेनमेंट पार्क है, यूनिवर्सल स्टूडियो कहा जाता है इसको। यूनिवर्सल स्टूडियो को कहा जाता है। देखिए अंदर से आज दिखाएंगे पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो आपको सिंगापुर का, पूरा दिन इधर ही आज जाने वाला है। काफ़ी सारी राइड्स है, रोलर कोस्टर है यहाँ, 3D 4D फिल्म दिखाई जाती है, और भी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने मिलेगी। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। यूनिवर्सल स्टूडियो ये बाहरी हिस्सा है, यहाँ पीछे की साइड इसकी टिकट मिलती है, ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं अपने, मगर हम तो पैकेज में गए थे तो पहले से टिकट बुक थी हमारी, वरना सामने पीछे की साइड दिख रही है वहाँ विंडो है, टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं आप। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं इसे देखने के लिए। आज हम भी देखो यहाँ आए हैं, क्या क्या अंदर है क्या नहीं है सब देखने मिलेगा आज। हेलो यूनिवर्सल स्टूडियो बाहरी हिस्सा, ये देखिए सिंगापुर का मौसम, गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी आ जाती है कभी कभी। इस बीच खुली हुई धूप में यूनिवर्सल स्टूडियो का नज़ारा बाहरी, इसके बारे में ज़्यादा सी मालूमात उनको दी जाएगी। सुबह 10:30-11 बजे यहाँ पहुँच चुके हैं हम, और अब हम अंदर एंटर होंगे थोड़ी देर में। सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो सेंटोसा आइलैंड के ही एक हिस्सा है, ये इनसाइड का ही हिस्सा है। देखिए अंदर आ चुके हैं हम,
बहुत बड़ा है ये, पूरा दिन आज इसमें जाने वाला है। हॉलीवुड हॉलीवुड अगर कोई भी इंसान यहाँ आता है सिंगापुर में तो यहाँ की मुलाकात ज़रूर लेते हैं। ये एंटरटेनमेंट पार्क है, यहाँ मौज मज़ा मस्ती के लिए पब्लिक आती है, हर तरीके का मनोरंजन होता है, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए यहाँ एंटरटेनमेंट की व्यवस्था की गई है। देखिए जात जात के प्रोग्राम होते हैं यहाँ, ये देखिए डांस प्रोग्राम। ये यूनिवर्सल स्टूडियो में अंदर होने के बाद तुरंत ही आता है ये सब, ये काफ़ी बड़ा है, आगे काफ़ी कुछ देखने मिलेगा, बहुत बड़ा है ये एंटरटेनमेंट पार्क यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। पब्लिक के मनोरंजन के लिए देखिए और भी कलाकार आ चुके हैं। विविध जात के कलाकार यहाँ मौजूद है, अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। विदेशी कलाकार है, चाइना टाइप के लोग ज़्यादा होते हैं यहाँ बाजू, क्योंकि चाइना से भी ज़्यादा पब्लिक आती है यहाँ। सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो, ये देखिए रोलर कोस्टर, ऐसे 5 से 6 याद के रोलर कोस्टर हैं यहाँ। ये टिकट के अंदर सब शामिल होता है, यहाँ कोई टिकट लेना नहीं होता, खाली लाइन में खड़े रहो और अपना नंबर आवे अंदर बैठ जाओ। रोलर कोस्टर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए एक अलग हिस्सा है यही यूनिवर्सल स्टूडियो का, जो बनाया गया इजिप्त के पिरामिड और वहाँ की संस्कृति बताते हुए इजिप्त मॉडल पर तैयार किया गया है इसे। काफ़ी खूबसूरत देखने के लायक,
ये देखिए अलग टाइप का है कुछ बना हुआ यहाँ, जिसमें बैठने के बाद आपको घुमाने ले जाते हैं। ये ट्रेन टाइप है मगर कुछ अलग सा है। चलो इसमें भी बैठते हैं, देखते हैं क्या माहौल होता है। एक बार इस यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट खरीद ली तो फिर सब कुछ अंदर फ्री होता है। पीने का पानी है, सिंगापुर में पीने का पानी काफ़ी महंगा मिलता है। मिनी ट्रेन जैसा है, जो बग्गी गाड़ी मगर पाटे पे चलती है। ये यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर ही आया हुआ है। बहुत अच्छी राइड से ये पानी में होकर जाना होता है इसे। काफ़ी गर्मी थी, काफ़ी लाइन के बाद नंबर आया है यहाँ। इसमें बैठने का मज़ा कुछ और ही होगा। ये राउंड सीट वाला एक आता है, इसमें 5 से 6 लोग बैठते हैं। गोल घूमते घूमते हुए ये पानी में जाता है। काफ़ी मज़ा आने वाली राइड सही है, बहुत ही अच्छी। ऐसे घूमता रहता है ये पानी के अंदर और पानी के बहाव में बहता है। जुरासिक पार्क जैसे बनाया हुआ है ये, मगर काफी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। जबरदस्त राइड से ही मोबाइल बराबर ना पकड़ो तो पानी में गिरने की पूरी सकेता है। बहता हुआ पानी है, डायनासोर जगह जगह बना के रखे हैं, बहुत ही अच्छे। हॉरर मूवी की तरह बनाया है इसे। सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर ही जात जात की राइड्स है। खाली लाइन में आपको खड़ा रहना है और अपना बारी आने के बाद बैठो। ये देखो आर्टिफिशियल झरने बनाए गए हैं, मगर बहुत सुंदर तरीके से बनाए हैं, इसीलिए देश विदेश से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। एन्जॉयफुल राइड, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में घूमती रहती है पानी के बहाव के साथ।
जैसे जैसे राइड आगे बढ़ती है और एंजॉयफुल होता है। झरने पानी के बनाए गए जगह जगह पर जो गर्मी को दूर करते हैं और ठंडक दे रहे हैं। देखते जाइए, अभी देखो ये इसके अंदर से निकल रहा है। पूरी राइड्स करने में काफ़ी टाइम लगता है मगर देखने लायक है। ये अंधेरे के अंदर लाइट्स की इफेक्ट ज़बरदस्त तरीके से इसे डेवलप किया गया है। देखते जाओ, बस हर कदम कुछ नया देखने को मिल रहा है। इसको कुछ बनाया इसी तरह से जो हॉरर फिल्मों में दिखाया जाता है, डरावने जैसा। अच्छा, गुफा के अंदर से निकलती है राइट्स और फिर बात वापस उजाले में आ जाती है। गोल गोल घुमा करती है ये लाइट्स, ऊपर लाइट्स इफेक्ट दी गई है। देखिए बाहरी साइड आ गया, काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। और ये देखिए एक से एक झरने, ग्रीनरी देखो। सिंगापुर पूरा फिरो मगर ग्रीनरी जहाँ भी आपको देखने मिलेगी सब जगह, छोटी छोटी जगह में भी इन्होंने ग्रीनरी लगाई हुई है। कोई भी राइड्स में बैठो, अलग अलग राइड्स यहाँ दुनिया भर की है, लाइन में खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कोई पैसा नहीं। एक टिकट बार ले, एक बार टिकट ले ली फिर इसी में सब कुछ है। बार बार पैसा खर्चना नहीं है, खाना पीने का पैसा आपको देना है खाली। अभी आगे देखिए होटल, होटल भी देखने मिलेगी, खाना पीना देखने मिलेगा। फ्लावर देखिए, सिंगापुर के फ्लावर, ये देखिए दुबई के ग्लोबल विलेज की तरह इसे भी बनाया गया है। ग्लोबल विलेज की तरह बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। पूरा घूमने के लिए अच्छा दिन चाहिए। अलग अलग टाइप की राइड्स है, रोलर कोस्टर है, मिनी रेस्टोरेंट है, होटल्स है, ग्रीनरी का काफ़ी ख्याल रखा गया है और बहुत अच्छे ढंग से बनाया है इसे। फोटोग्राफी अगर आपको करनी है तो काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है यहाँ। अच्छा कैमरा और अच्छा कैमरामैन हो तो अच्छे फोटो आ सकते हैं यहाँ भाजी। यूनिवर्सल स्टूडियो सेंटोसा आइलैंड का एक हिस्सा है जिसकी टिकट 5-6 हज़ार रुपये से आसपास होती है। हमने पैकेज में लिया हुआ था इसलिए हमको कुछ अलग से खर्चना नहीं है, खाली घूमना ही। हमको जात जात की राइड्स,
यहाँ है रोलर कोस्टर है, मिनी रेस्टोरेंट है, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट प्लेस। यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर जगह जगह थोड़ी पानी के बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पानी अलग से लो तो काफ़ी महंगा पड़ता है। कांकरिया लेक की तरह बनाया है, इसकी जगह पर रोलर कोस्टर, 6-7 टाइप के रोलर कोस्टर है यहाँ। देखिए अलग राइट से इतने और अगर इसे सभी राइड्स में बैठो आप और सभी एंटरटेनमेंट का मज़ा लो, पूरा दिन आराम से निकल सकता है। और यहाँ मौसम भी बदलता रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है और फिर थोड़ी देर में बारिश भी आ जाता है। रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटोसा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लाइट इफेक्ट देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त। जगह जगह पर कैसीनो भी दिखेंगे आपको, जुगाड़ खेलने वाले लोगों के लिए, जुगाड़ खेलने के लिए कैसीनो। बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। इर्द गिर्द जो लोग दिख रहे हैं आपको, कोरिया, चाइना, ये देश यहाँ से नज़दीक पड़ते सिंगापुर वालों के लिए, तो ये लोग सिंगापुर घूमने आते हैं वहाँ से। ये देखिए कितना बड़ा पंखा लगा हुआ है, बिग फैन, गर्मी में राहत दे रहा है। इतना बड़ा पंखा फर्स्ट टाइम देखा हमने, बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए इतना बड़ा पंखा, ये यूनिवर्सल स्टूडियो सेंटोसा आइलैंड। ये सेंटोसा आइलैंड यूनिवर्सल के बाहर का हिस्सा है, जो दरिया है, दरिया के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दरिया का बहता हुआ पानी, और वो आसमान में देखो कैसी राइड्स जा रही है। ये बैठक व्यवस्था है, नाइट शो होता होगा यहाँ रात को, मगर हम तो अभी निकल जाएंगे यहाँ से, शाम होने को है।
दरिया किनारा है चारों बाजू सिंगापुर के। सिंगापुर खुद एक आइलैंड की तरह है, जो चारों बाजू पानी है दरिया का और बीच में ये देश आया हुआ है। सिंगापुर एक घूमने लायक जगह है और वो देखिए आकाश के अंदर उसमें भी बैठेंगे हम। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और कितना बड़ा जहाज पानी का सिंगापुर में खड़ा हुआ है, उसके ऊपर से जो राइड्स जा रही है देखिए। सिंगापुर में एक और दिन है आज हमारा यहाँ। आज सुबह से यूनिवर्सल स्टूडियो की हमने मुलाकात ली और अब बाहर आ चुके हैं। बादल भी सर पर मंडला रहे हैं और बारिश आने की शक्यता है। काफ़ी ऊंचाई पर ये राइड्स है, इसमें भी बैठना है हमको। पूरा दिन सिंगापुर में निकला यूनिवर्सल स्टूडियो के आसपास ही। बहुत ही खूबसूरत जगह है देखने के लायक। देखिए पानी का जहाज कितना ज़बरदस्त खड़ा हुआ है। सिंगापुर वाकई बहुत बेहतरीन देश है देखने के लायक। हर जगह हर कोना अलग तरीके से डेवलप किया गया है। शुद्ध वातावरण और पूरे सिंगापुर की क्या बात करें कि सफाई, कचरा तो कहीं नाम से देखने ना मिले। इतनी साफ सफाई वाला ये वर्ल्ड का फेमस सिंगापुर देश आज देखना मिला हमको यूनिवर्सल स्टूडियो में। आज पूरा दिन गुजारा काफ़ी रोमांचक और एक्साइटमेंट दिन रहा हमारा। बारिश कभी भी आ सकती है यहाँ बाजू सिंगापुर में। और आज का ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म करेंगे। कल एक और नई जगह, नए दृश्य, नए हवामान के साथ एक और एपिसोड बनाएंगे। आज का एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं और अब यहाँ से हमको वापस होटल जाना है, हीरावडी रोड। यहीं हमारी ये होटल है, देखो। ट्रैफिक में खड़े हैं अभी, होटल वापस जाएंगे। सिंगापुर में भी ट्रैफिक की समस्या तो है, क्योंकि यहाँ रूल्स काफ़ी है। किसी ने रूल्स तोड़ा तो काफ़ी दंड देना पड़ता है यहाँ बाजू।